ठीक है, ऐसा होने के लिए बच्चों ये चेयर फॉर्म को, चेयर फॉर्म में क्या होता है, ये जो नीचे वाला कार्बन है या फिर कोई भी एक कार्बन मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ये कार्बन जब मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो बच्चों एक ऐसा स्टेट रीच होगा जिसमें कार्बन जो ये वाले बॉन्ड्स हैं और ये जो नीचे वाला बॉन्ड है सब एक लाइन में आ जाएगा। उस कॉन्फिग्रेशन को, उस कॉन्फॉर्मर को हम लोग चेयर कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, फिर ये चेयर कन्फर्मर हमेशा ट्विस्ट होके फिर बोट में कन्वर्ट होता है। तो पहले ट्विस्ट बोट में जाएगा फिर बोट, और बोट भी जब चेयर में आता है तो ट्विस्ट होना पड़ता है पहले इसको। तो हाफ चेयर हमेशा ट्विस्ट होगा और उसके बाद बोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर ट्विस्ट होके वापस से हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस बार जब हाफ चेयर बन रहा है वो दूसरे साइड को बन रहा है बच्चों, और ये दूसरा वाला कार्बन जो है नीचे मूव करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो पहला, पहले क्या हुआ कि ये नीचे वाला कार्बन ऊपर उठा, और अब क्या हो रहा है जो ऊपर वाला कार्बन था वो नीचे जा रहा है। तो बारी बारी करके दोनों ऊपर नीचे जाएंगे और एक चेयर दूसरे चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कॉन्फॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग चेयर चेयर कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमने देखा था बच्चों जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर अगर देखोगे इसमें तो चेयर फॉर्म होता है। चेयर सबसे स्टेबल इसलिए क्योंकि सारे जो हाइड्रोजन है वो दूर दूर होते हैं इसमें, दूर दूर है तो बिल्कुल रिपल्शन नहीं होता और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेबल कॉन्फॉर्मर आता है वो ट्विस्ट बोट होता है, उसके बाद बोट होता है और उसके बाद हाफ चेयर। तो अगर तुम लोगों को पता है कौन सा फॉर्म किसके बाद बन रहा है तो तुम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं बच्चों। एक छोटा सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा, बड़ा सा मैंने नीचे बना रखा है, वो छोटा सा मैं साइड में बनाऊंगा कि तुम लोगों को फॉर्म्स और एनर्जी दिखाई दे। ठीक है, चलो यहाँ पे छोटा सा मिनी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मान लेते हैं ये पीई है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे डायहेड्रल, यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन। तो बच्चों कोई एक कॉन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, चेयर से ही स्टार्ट करूँ क्या, चलेगा? चेयर से शुरू करें ड्रॉ करना। बच्चों बताओ चेयर की एनर्जी क्या है, ज्यादा है कि कम है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से? ज्यादा ज्यादा बच्चों स्टेबिलिटी जब ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो चेयर की एनर्जी सबसे लोवेस्ट पॉसिबल पे होगी, राइट? तो चेयर से मैं शुरू कर रहा हूँ। चेयर को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करने जाता हूँ दूसरे चेयर में तो पहले किस में कन्वर्ट होगा बताओ? हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा ना, है कि नहीं? यस तो हाफ चेयर में यस क्या है, एनर्जी कैसी है हाफ चेयर की? ज्यादा 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 है क्योंकि मोर देन स्टेबिलिटी, चेयर हाँ मोर देन चेयर है, मोर देन मोर ट्विस्ट बोट, आई मीन सभी में सबसे ज्यादा वही तो है ना, है कि नहीं? सारे कॉन्फॉर्मेशन जो बन रहे हैं सब में सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें ही होगी। सही बात है बच्चों, देखो समझो इस बात को, स्टेबिलिटी और एनर्जी कैसे रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जिस चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी ज्यादा। सबसे कम एनर्जी किसकी है सारे कॉन्फॉर्मेशन में से, चेयर कौन सा चेयर चेयर? की चेयर सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो, प्रोसेस करो और फिर आंसर दो। हाफ चेयर की एनर्जी सबसे, आई मीन स्टेबिलिटी सबसे कम है, हाफ चेयर की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा उसी की होगी ना, है कि नहीं? यस सर। जब तुम लोग चेयर को दूसरे चेयर में कन्वर्ट करने जाते हो, चेयर वन से चेयर टू में कन्वर्ट करने जाते हो, तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है पहले चेयर? हाफ चेयर में। तो इस चेयर को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा बताओ? हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा और एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी बताओ? हाफ चेयर।
अब क्या होगा, देखो हाफ चेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट हो रहा है। ट्विस्ट बोट की एनर्जी क्या है देखो, कम होगी कि ज्यादा होगी हाफ चेयर से बताओ? कम, क्योंकि उसकी ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, तो ये देखो कम हो गई एनर्जी। अब देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो बोट में, बोट में एनर्जी ट्विस्ट बोट से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ज्यादा है, तो एनर्जी वापिस से बढ़ जाएगी। ये क्या था, ट्विस्ट बोट था टीबी, और ये बोट है। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो बोट से वापिस से किस में जा रहा है, वो ट्विस्ट बोट में जा रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी बताओ? डिक्रीज हो जाएगी ऐसे वापिस से ट्विस्ट बोट। और वापिस से अभी तुम लोग देखो ट्विस्ट बोट से किस में जा रहा है, हाफ चेयर में, तो एनर्जी कैसी बन जाएगी बताओ, बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि ट्विस्ट हाफ चेयर ट्विस्ट बोट से हाफ चेयर में जा रहा है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और फिर हाफ चेयर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, चेयर में, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एनर्जी एकदम कम हो जाएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा ना, है कि नहीं? यस सर। तो बच्चों इसी तरह का ग्राफ प्लॉट कर रखा है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज नाउ दिस इज एक्स्ट्रा। इसी तरह का ग्राफ पैटर्न देखने मिल रहा है, ठीक है? तो चेयर, हाफ चेयर में, फिर ट्विस्ट बोट में, फिर बोट में, फिर ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर। एक बात याद रखना बच्चों, जो ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मर है वो काइरल होता है। काइरल का क्या मतलब होता है, आज ही की क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है? लेकिन जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तभी मैं बताऊंगा, ठीक है? एनर्जी, ठीक है? तो ये कॉन्फर्मेशन है बच्चों, याद रखना। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जिसे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में होता है, वैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में भी होता है। कौन से कंपाउंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में हाइड्राजीन करके कंपाउंड है जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट हो सकता है कि नहीं 360 डिग्री, बताओ जरा? यस, ठीक है। हमको पता है नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पैर होते हैं, तो नाइट्रोजन के लोन पैर को मैं ऐसे दिखा दूं चलेगा? ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक गोल सा जो बनाया है वो ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लोन पैर सामने सामने है, इसके लिए इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स कभी बोलते हैं जब ही ऑर्बिटल्स और बॉन्ड्स एक दूसरे के सामने सामने हो, ओवरलैप कर रहे हो। और ये देखो यहाँ पे तुम लोगों के जो लोन पैर कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो सामने सामने नहीं है, 60 डिग्री के एंगल पे है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे बताओ जरा? स्टैगर्ड बोलेंगे ना इसको, स्टैगर्ड होता है ना, स्टैगर्ड फॉर्म। तो जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड में बॉन्ड रोटेट करने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स बनते हैं, वैसे हाइड्राजीन करके मॉलिक्यूल है, हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स बन सकते हैं। क्लियर होगी बात बच्चों सभी को? चलो, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आधा तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, तो इसके लिए जल्दी हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ज्योमेट्रिकल, सेकेंड टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बच्चों, सर, यस सर, एक बार वो टॉर्शनल एनर्जी का एक बार दिखाएंगे क्या मुझे, मतलब पेजेस छोड़ना है थोड़ा कि इस स्टार्ट करने के लिए। कहाँ से पेज छोड़ना है? टॉर्शनल एनर्जी करके आपने जो लिखाए थे ना, ये रहा, तुमको पेज छोड़ना पड़ेगा लगभग तीन पेज छोड़ दो, अच्छे से बना देना। चलो स्टार्ट करें। यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों, तुम लोगों ने देखा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तभी अराइज होता है जब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या कार्बन फ्री बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर पाता है बच्चों, बताओ जरा? वो पेन पेपर वाला डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसने, तो कार्बन जो होता है उसका कॉन्फिग्रेशन लॉक हो जाता है बच्चों। डबल बॉन्ड जब होता है तो कार्बन कार्बन का फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, उसी कॉन्फॉर्मेशन में लॉक हो जाता है, कार्बन रोटेट नहीं हो पाता। और उसी कॉन्फिग्रेशन में लॉक हो जाने की वजह से अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये अलग अलग फॉर्म में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करने लग रहा है डबल बॉन्ड के रोटेशन को रुकने की वजह से,
इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स, दीज आर द स्टीरियो, मैं किसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आज समझेंगे हम लोग। दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसमें अरेंजमेंट अलग हो एटम्स का, उसको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड, सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्शन के वजह से, उनके रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन के वजह से अराइज होते हैं, ठीक है? तो उस तरह के कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखो तो और क्लैरिटी मिलेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बहुत सारी टाइप्स होती है बच्चों। पहला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे सिस ट्रांस, या एक बात यहाँ पे ये सिर्फ याद रखनी है दिमाग में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्शन के वजह से जो आइसोमर पैदा होते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है? सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? देखो बच्चों, जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो तुम लोगों को पता है वो कार्बन के बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाते और उस वजह से मॉलिक्यूल दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करने लगता है। एक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिस, एक कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांस। लेकिन सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन और आइसोमेरिज्म जानने से पहले कंडीशंस जानते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है जो मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो कंडीशंस, पहला कंडीशन तो यह है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट कंटेन एक सेकेंड रुक जाना, तो कंपाउंड के अंदर सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए बच्चों कि कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर तुम्हारे कंपाउंड के अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो होगा। तो देखो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है इन दोनों में से कोई एक टाइप का होना चाहिए। मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना बच्चों, उसको एक कॉमन ग्रुप तो होना ही चाहिए। दूसरा कॉमन ग्रुप रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहा तो फिर भी चलेगा। तुम लोग देख रहे हो पहले वाले स्ट्रक्चर में, देखो ए ए कॉमन ग्रुप है दोनों कार्बन पे और बी बी भी यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों कॉमन ग्रुप, दो कॉमन ग्रुप है उन कार्बन के ऊपर तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक कॉमन तो मैंडेटरी है, एक कॉमन ग्रुप तो होना ही चाहिए। जब कभी भी तुम लोग के मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होता है और एटलीस्ट एक दोनों कार्बन पे कॉमन ग्रुप है तो जाके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। देखो दूसरा वाला मॉलिक्यूल बच्चों, इसके अंदर ए ए कॉमन है लेकिन दूसरा ग्रुप कॉमन नहीं है, दूसरा ग्रुप अलग है, तो एक कॉमन ग्रुप होना चाहिए। बच्चों एक और बार बता देता हूँ मैं तुम लोगों की, डबल बॉन्ड जो है, डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उनके ऊपर जब एक ही कार्बन पे दो कॉमन ग्रुप आ जाता है तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, ठीक है? तो डबल बॉन्ड चाहिए और दो डिफरेंट कार्बन पे एक कॉमन ग्रुप होना चाहिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। याद रखना बच्चों, एक ही कार्बन पे दो कॉमन ग्रुप आ गया या फिर एटम आ गया तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो सिस ट्रांस क्या होते हैं वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले मैं तुम लोग से पूछ लूँ, तुम लोग मेरे को बताओ, मैं कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे को बताना क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का है और लेट्स से बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे बी आर है, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? हाँ, हाँ, हाँ सर, यस सर, यस सर,
कितने लोग एग्री कर रहे हो सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? हाथ रेस करके बताए बच्चों, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशन मीट कर रहा है क्या ये? देखो एक डबल बॉन्ड चाहिए, वो है मेरे पास, और बोल रखा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मतलब एक कॉमन ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर। यहाँ पे तो दो दो कॉमन ग्रुप है, दो डिफरेंट कार्बन पे, तो ये तो डेफिनेटली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। बच्चों याद रखना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड चाहिए कम से कम, एक से ज्यादा रहेगा तो फिर भी अच्छी बात है। लेकिन यस, फूड क्लास पे ध्यान दे, ठीक है, हाय हेलो बाद में कर लेना, यहाँ पे क्लास पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, इस हैंड्स डाउन एवरीवन प्लीज, कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड होना चाहिए वो तो है, और दोनों कार्बन में एक कॉमन ग्रुप होना चाहिए। बच्चों एक कॉमन ग्रुप अगर है तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं है तो नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं Cl लगा दूं और इस कार्बन पे भी कहीं पे भी ऊपर चाहे नीचे एक Cl लगा दूं तो वो कॉमन ग्रुप है ना दो डिफरेंट कार्बन पे, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डेफिनेटली शो करेगा। बच्चों एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, बताना क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? CH3 CH3 H C2H। क्यों नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा भाई सर? क्योंकि एक ही कार्बन पे सेम सेम है, तो एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गया तो बिल्कुल नहीं शो करेगा। बहुत अच्छी बात है। चलो क्या ये मॉलिक्यूल शो करेगा बच्चों? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ClFBrI क्या शो करेगा? नहीं, कोई कॉमन ग्रुप नहीं शो करेगा, राइट? क्या ये मॉलिक्यूल शो करेगा? नहीं सर। क्योंकि एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गया ना। क्या ये मॉलिक्यूल शो करेगा? यस सर। कितने लोग बोल रहे करेगा? हाथ रेस करके बताएं। यस, जो लोगों को लगता है शो करेगा प्लीज रेज योर हैंड। कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रहा है। यस, बाकी के बच्चे कहां पे हो तुम लोग? बेटा बहुत सारे बच्चों ने हाथ रेस भी किया है। निधि सिंह यस किया है, अल्फिया, दिवेश, कावेरी, मानसी, क्या हो रहा है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? नेहा, पलक, प्रिया, राणा, रिया, क्या हो रहा है बच्चों? हाँ सर, समझ आ रहा है। तो बताओ भाई, हाथ रेस करो या फिर मैसेज में करके बताओ, तो पता चलेगा ना मेरे को आ रहा है समझ में कि नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको बताते रहो कि तुम लोगों को नहीं समझेगा तो फिर क्लास का मतलब क्या फिर, ठीक है। तो एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए और एक कॉमन ग्रुप चाहिए दो कार्बन पे, अगर ऐसा है तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। ये सिस और ट्रांस क्या होता है ये समझे हम लोग जरा। देखो बच्चों, जब दो सेम ग्रुप, तुम लोग को पता है कि दो कार्बन पे एक कॉमन ग्रुप है, तो अगर वो कॉमन ग्रुप, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मोमेंट, तो अगर वो कॉमन ग्रुप सेम साइड में है बच्चों, जो कॉमन ग्रुप मैंने लगा रखा है अगर वो सेम साइड में है डबल बॉन्ड के, तो उस तरह के आइसोमर को सिस आइसोमर बोलेंगे। इफ द सेम ग्रुप और एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। इफ द सेम ग्रुप और एटम आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो देखो ये मॉलिक्यूल बच्चों, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? बताओ जरा। नहीं सर। क्यों नहीं? यस सर। ट्रांस आइसोमर शो करेगा। सिस शो करेगा कि नहीं करेगा वो बताओ। सिस ट्रांस हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। करेगा सर। करेगा। सारे करेगा। अगर करेगा तो ये कौन सा आइसोमर है ये बताओ। ट्रांस है, तो ये डेफिनेटली शो करेगा
और ये जो करंट आइसोमर लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो तुम लोग वो ट्रांस आइसोमर है। चलो एक और मॉलिक्यूल बच्चों, ये कौन सा आइसोमर है? यस बताओ। सिस आइसोमर है बिकॉज सिस आइसोमर है सेम साइड में। तो बच्चों ये जो चीज लिखी है मैंने वो तुम्हारे स्क्रीन पे भी पेस्ट करता हूँ कि तुमको नोट्स में भी मिल जाए ये सारी चीजें। चलो आ जाते हैं तुम्हारे ओरिजिनल स्क्रीन पे वापस से। समझ में आ गई बात बच्चों, सिस ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अल्कीन में वापस से पढ़ोगे इसके बारे में। तो कुछ एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जरूरी है। तो कुछ मॉलिक्यूल देता हूं मैं, तुम लोग मेरे को बताना सिस है कि ट्रांस है। आसान वाले तो कर लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देता हूं अभी तुम लोगों को मैं, एक मिनट। बच्चों बताना है ये डबल बॉन्ड जो है वो सिस है कि ट्रांस है, ये डबल बॉन्ड है कि सिस है कि ट्रांस है, बता सकते हो? हार्ड लग रहा है? हार्ड लग रहा है तो भाई हार्ड लग रहा है तो आंसर तुम लोग को सिर्फ हाइड्रोजन फिल कर दो ना। तुम लोग को नहीं लग रहा? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है? एक दो तीन बनाया, तो एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दूं मैं, और ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया बताओ? तीन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन ऐसे लग रहेगा, बताओ अब हार्ड लग रहा है? अब हार्ड लग रहा है क्या? नहीं। कौन सा फॉर्म है? कार्बन नंबर वन, ये पहला डबल बॉन्ड। कौन सा कॉन्फिगरेशन है? ट्रांस आइसोमर है। ये वाला बताओ जरा, ये वाला कौन सा है? सिस। हार्ड जो चीज होती है उसको आसान कैसे बनाते, समझ में आ गया सभी को? भाई हाइड्रोजन लगा दो अपने आप ही आसान बन जाएगा, ठीक है, या फिर कॉमन ग्रुप लगा दो अपने आप ही आसान बन जाएगा। तो बच्चों ऐसा एक और मॉलिक्यूल दूं, करोगे सॉल्व? Yes. एक और मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, तुम लोग को बताना है वो सिस है कि ट्रांस है कि क्या है, ठीक है? Yes. ये वन, ये टू, ये थ्री। तुम लोगों मेरे को बताना है कौन सा वन वाला डबल बॉन्ड पे सिस कॉन्फ़िगरेशन है कि ट्रांस, टू वाले पे सिस है कि ट्रांस, वो मेरे को बताना है, और थ्री वाले पे भी। वन पे क्या है बच्चों? सिस है कि ट्रांस है, बताओ जरा। ट्रांस बेटा, वन पे ट्रांस दोनों नहीं होगा, सिस कुछ भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो दोनों जगह एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप लग गया ना, है कि नहीं? डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन पे जब दो सेम ग्रुप होता है तो बताओ सिस ट्रांस होता है क्या बच्चों? नहीं सर। तो यहाँ पे तो होगा क्या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? एग्जांपल समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो इस पे तो कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो जीआई लिख देता हूं मैं, ठीक है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टू वाले में बताओ, टू वाले में सिस ट्रांस होगा क्या? सिस है, पक्की बात? कैसे पता? हाइड्रोजन फिल किया होगा तुम लोगों ने यहाँ पे, तो ये सिस आइसोमेरिज्म हो जाता है। कितने लोगों ने ये गैस किया था सिस है? हाथ रेस करके बताएं। सेकंड वाले पोजीशन पे सिस है, यस, नौ लोगों ने पता किया था। बच्चों पता करने आ रहा है? चलो थर्ड वाला, जिन लोगों ने पता किया सिर्फ वो अपना हाथ रेस करें, आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ अपना हाथ रेस करें। जिन लोगों ने थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन पता कर लिया है जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बता करें, या फिर पता हो जा रहा है तो अपना हाथ रेस करने, मैं थोड़ा वेट करता हूँ।
I can wait for 16 seconds. थर्ड वाले पे बच्चों चेक करो डबल बॉन्ड वाले कार्बन की वैलेंसी और पता करो वो सिस है कि ट्रांस है. यस रिया, डिड यू गेट द आंसर? सर क्या बोला आपने? रिया कि प्रिया? रिया रिया आर आई वाई ए. उसको आंसर मिल गया क्या? रिया को. आई कैन सी रिया ने मेरे को आंसर दे दिया है तो ठीक है रिया. यस पलक, व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर होगा इसका थर्ड वाले पे? यस सर. क्या होगा आंसर इसका थर्ड वाले पे? थर्ड वाले पे वेदर इट इज सिस और ट्रांस, व्हाट डू यू थिंक? ट्रांस. ऐसे नहीं होता बेटा, देखो ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है. सी व्हाट इज ट्रांस अप हियर, यहाँ पे देख लो ट्रांस क्या है. डेफिनेशन ट्रांस का, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो उसको डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में तो उसको ट्रांस बोलेंगे, और सेम ग्रुप अगर सेम साइड में है तो उसको सिस बोलेंगे. राइट, लेट्स चेक इसकी वैलेंसी. इसका मेरे को बताओ कितने हाइड्रोजन लगे हैं इसमें, ये वाले पोजिशन को जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है भी कि नहीं हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन है पक्का? एक मिनट चेक कर लो. कितने बॉन्ड बना रहा, कितने बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन बताओ. देखो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बना लिया है, दो साइड की तरफ, तो कितने चार बॉन्ड बन गए उसके? बन गए क्या चार बॉन्ड? सर एक ऊपर की तरफ है और दो नीचे की तरफ. तो कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? तीन. कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है? नहीं नहीं, कार्बन टोटल चार बॉन्ड बनाता है जिसमें से उसने तीन बना चुका है. तो एक बॉन्ड किससे बना होगा? एक बॉन्ड किससे बनाएगा वो अपना? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दूं मैं ऐसे, चलेगा? हाँ. ऊपर तो लिख नहीं सकता, ऊपर तो बॉन्ड बन चुका है. और दूसरा ये वाले कार्बन का जरा बताओ पता करके. उसने भी तीन ही बनाया ना. हाइड्रोजन कहाँ पे लिखूं मैं? नीचे की तरफ. दो सेम ग्रुप दो सेम साइड में आ रहे हैं क्या? हाँ, दो सेम ग्रुप जब सेम साइड में होते तो क्या बोलते हैं उसको? सिस आइसोमर. हाँ समझा. आइसोमर है, सिस आइसोमर. चलो भाई, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड. मानसवी को आंसर समझ में आया थर्ड पे क्यों सिस है? निधि को समझ में आया? निधि मे भी नहीं चलेगा, अपने को श्योर होके आंसर देना है. ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आंसर मतलब नहीं फिर. यस मीत, वेरी गुड. चलो बढ़िया, समझ में आ गया निधि को आंसर सिस क्यों है? नहीं सर, वापिस बताओ. वापिस बताओ तो बोलेगी कभी? पूछूंगा नहीं तो बताती नहीं तू मेरे को. तो मेरे को बता निधि, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? तीन. और चौथा बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से. कहाँ पे लगा सकता हूँ मैं हाइड्रोजन को फिर बता? नीचे. नीचे लगा दिया. ये वाले कार्बन पे बता? तीन बना रहा है. तो एक हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? नीचे. क्या दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप है क्या? हाँ. सेम ग्रुप सेम साइड में होता है तो क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर. जो समझ में आया सिस है ये? हाँ समझा. ठीक है बढ़िया. चलो तो बच्चों सिस ट्रांस एक एक अगर डबल बॉन्ड का तो ढूंढना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया और बोला इधर पे बताओ सिस ट्रांस है कि नहीं है, तो क्या आप ढूंढ पाओगे तुम लोग? Yes? हाँ. चलो एक और मॉलिक्यूल देता हूँ. बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल सॉल्व करने के चक्कर में छोटा छोटा मॉलिक्यूल नहीं भूल जाना है बच्चों. Br, Cl, CH3 और CH3. बच्चों बता सकते हो सिस के ट्रांस है? ट्रांस आइसोमर. IUPAC नेम बता सकते हो तुम लोग मुझको? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. Yes, it is trans. It is very good. यही है क्या longest chain? हाँ sir. Right? Longest chain select कर लिया. Numbering कहाँ से दोगे बताओ? नीचे से कि ऊपर से?
नीचे से और दे दिया नंबरिंग। बोलो नाम, बोलो इसका। टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूट टू इन। यस, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूट टू इन। लेकिन सिर्फ इतने से नाम सही नहीं है भाई, अब तुम लोग को पता है वो ट्रांस है, तो आगे तुम लोग लिख दोगे ट्रांस टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूट टू इन। क्या बात समझ में? क्यों ट्रांस ऐड कर रहा हूँ? बिकॉज आई नो इट इज ट्रांस, राइट। चलो बच्चों रीजॉइन करो, तो और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रीजॉइन करो फटाफट।